हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक बहुत ही इजी डेजर्ट है और बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, इस डेजर्ट को आप कभी भी बना सकते हैं, चाहे आपके घर में कोई पार्टी हो या कोई फेस्टिवल हो या आपका ऐसे ही कुछ मीठा खाने का मन करे। तो चलिए हम अपनी चॉकलेट ब्राउनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 3/4 कप मैदा, ये ग्राम्स में 120 ग्राम है, 1/2 कप दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे है, 1/3 कप पिसी हुई चीनी ये 45 ग्राम्स है, 70 ग्राम्स बटर, 80 ग्राम्स है यहाँ पे कंडेंस मिल्क, 4 टेबल स्पून या 20 ग्राम्स कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 1/4 टेबल स्पून है यहाँ पे बेकिंग पाउडर और विन 50 ग्राम है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप अमूल या ब्राउन मिल्क की भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना चॉकलेट ब्राउनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है और अब मैं उसमें ये 150 ग्राम के करीब डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कंपाउंड चॉकलेट नहीं मिलती है तो आप अमूल या ब्राउन मिल्क की डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है और अब मैं इसमें 70 ग्राम्स बटर डाल दूंगी जो कि रूम टेम्परेचर पे है। तो ये मैंने बटर डाल दिया है और अब हम इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो डबल बॉयलर मेथड के लिए हम गैस पर एक गहरा बर्तन रख देंगे और उसमें आधा बर्तन पानी रख करके इसे सिमर होने के लिए चढ़ा देंगे। तो मैंने गैस जला दिया है और अब हम इसे हल्का गर्म होने देंगे। तो चलिए इसे गर्म हो जाने देते हैं। तो हमारा पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसके ऊपर ये चॉकलेट और बटर का बर्तन रख देंगे। ये बर्तन हमारा पानी से टच नहीं होना चाहिए, बस हमारा ऐसे ऊपर से ही रखा होना चाहिए। और अब हमारा चॉकलेट और ये बटर धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो अब हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट और बटर मेल्ट होना यहाँ स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट और बटर का मिक्सचर यहाँ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे बॉयलर से उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर बहुत गरम गरम में हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा बटर और चॉकलेट का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम अपना टिन तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक स्क्वायर टिन ले लिया और इसमें मैं ऑयल डाल करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो चलिए अब हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करना है, नहीं तो हमारी ब्राउनी इसमें चिपक जाएगी। तो ये टिन मेरा यहाँ पे ग्रीस हो गया है और अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बटर पेपर ले लिया है और इसके चारों कॉर्नर्स को मैं काट दूँगी। तो ये मैं ऐसे काट दे रही हूँ ताकि ये आराम से इस स्क्वायर टिन में फिट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर टिन नहीं है तो आप कोई भी गोल केक टिन या फिर गोल जो है स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बटर पेपर लगा दिया है, अच्छे से हम इसे फिट कर देंगे इसके अंदर। तो जिन लोगों के पास बटर पेपर नहीं है वो टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें और उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर हिला हिलाकर चारों ओर अच्छे से डस्ट कर लें, और जो भी एक्स्ट्रा मैदा हो वो बाहर निकाल लें। इससे भी आपकी ब्राउनी टिन में नहीं चिपकेगी। तो हमारा चॉकलेट और बटर का मिक्सचर यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध इसमें डाल दिया है और इसे हम चला देंगे, और साथ ही में हम इसमें ये 80 ग्राम्स कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे। और इसे हम लगभग 1 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। तो 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें ये 1 चम्मच वनीला एसेंस भी डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालें, नहीं तो बिना वनीला एसेंस के भी ये बन सकता है।
तो इस चॉकलेट और बटर के मिक्सचर को मैंने लगभग 3 मिनट तक फेंट लिया था और अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। तो मैंने एक बड़ी सी छन्नी रख ली है और अब मैं उसमें 120 ग्राम या 3/4 कप मैदा, 4 टेबलस्पून या 20 ग्राम के करीब है कोको पाउडर, 1/4 चम्मच है ये बेकिंग पाउडर और 1/3 चम्मच है हमारा पिसी हुई चीनी, ये 45 ग्राम्स है। तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो मैं ये छान ले रही हूँ। फ्रेंड्स, जो ब्राउनी होती है वो केक के जैसी नहीं होती है, इसलिए हम इसमें बहुत थोड़ा सा ही बेकिंग पाउडर डालते हैं और बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, क्योंकि ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होती है, थोड़ी सी वो फजी होती है। तो मैंने यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। तो अब हम इसे एक विस्कर से या फिर एक स्पैचुला से अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहें और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग में नए हैं तो ब्राउनी एक परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही ईजी है और इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्राउनी का बैटर बनके यहाँ तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम ऊपर से गिराएं तो ये नीचे रिबन के जैसे बनता हुआ गिरे। तो चलिए अब हम इसे अपनी बेकिंग टिन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टिन ले लिया है और अब हम इसमें अपनी ब्राउनी का बैटर डाल देंगे। तो अब हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से टैप टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल आए। तो अब मैं इसकी गार्निशिंग थोड़े से वॉलनट से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसके बैटर में भी वॉलनट्स मिक्स कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही वॉलनट्स का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था और अब हम इसे 180 डिग्री पे ही 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। पर 25 मिनट्स बाद एक बार हम इसे निकाल के टूथपिक डाल के ज़रूर चेक कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी ब्राउनी हुई है या नहीं। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो मैंने ये ब्राउनी के बैटर को प्री हीटेड माइक्रोवेव में रख दिया है और अब हम इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए सेट कर देंगे और 25 मिनट्स बाद हम इसे चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी ब्राउनी सही से पक रही है या नहीं। तो चलिए अब हम इसे 25 मिनट्स बाद चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस ब्राउनी को बेक होने में 25 मिनट्स लगे, क्योंकि 25 मिनट्स बाद जब मैंने इसमें टूथपिक डाला तो टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन निकली। तो अब हम इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 10-15 मिनट बीत चुके हैं और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। और अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे चाकू की सहायता से इसे पीसेस में काट लेती हूँ। पीसेस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको कैसा चाहिए, बड़ा या छोटा। तो मेरे यहाँ पे 9 पीसेस निकल के आए हैं ब्राउनी के और अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट ब्राउनी बनके यहाँ रेडी हो गई है और ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग में बिगनर हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये बनाना बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, ब्राउनी एक ऐसा डेजर्ट है जिसे आप किसी भी फेस्टिवल है या फिर किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस क्रिसमस या न्यू ईयर आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं ऐसी ही कुछ इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के वीडियो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ भी ज़रूर चेक कर लें। तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूँ, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।